ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ Yes, sir. Yes, teacher. That's it, ma'am. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Fayaz Ahmed, assistant teacher, Government Girls Urdu High School, Fort, Raichur. Aap sabhi tulba ka samveda e-classes Urdu medium mein khair mukaddam karta hu. To pyare bachcho, aaj ki class mein hum 10th jamaat ki रियाजी की हिस्सा दुवन से सबक नंबर 13 शुमारियात पढ़ने जा रहे हैं। तो तलबा से गुजारिश है कि वो कापी और पेन और दीगर जरूरी अशय के साथ बैठें। वैसे इस सबक को अक्सर तलबा मुश्किल समझते हैं, जबकि यह सबक बहुत आसान है। तो आप लोग जो भी समझाया जा रहा है उसे गौर से सुने और साथ में हर चीज को नोट करते जाएं, ताकि जो भी आपको समझाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो आदाद और शुमारियात, या हम सिर्फ शुमारियात किसे कहते, मुशाहिदात या मालूमात को इकट्ठा करना, फिर उन्हें तरतीब देना, फिर उन्हें तजज़िया करना और उससे कुछ नतीजा निकालना, ये शुमारियात कहलाता है। आमतौर पे आपने सुना होगा या देखा होगा कि कई हुकूमत की तरफ से सर्वे किए जाते हैं। मसलन कई हुकूमत के जो नुमाइंदे होते हैं वो घरों को आते हैं और मुख्तलिफ मालूमात को इकट्ठा करते हैं, जैसे किसी घर में कितने अफराद होते हैं, उन अफराद में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, है ना। इस तरह का मालूमात को इकट्ठा किया जाता है और इन तमाम मालूमात को इकट्ठा करके उन्हें एक खास तरतीब दिया जाता है, फिर उन मालूमात का तज़िया किया जाता है और आखिर में उससे नतीजा निकाला जाता है कि कौन से जात के लोग पिछड़े हुए हैं या आगे हैं, तालीम के मैदान में आगे हैं, मुआशी तौर पर वो कितने कमजोर हैं या कितने मजबूत हैं, है ना। इन तमाम मालूमात का तजिया किया जाता है। तो इन्हीं मालूमात को इकट्ठा करना, मालूमात को इकट्ठा करना, फिर उन्हें तरतीब देना, फिर उनका तजिया करना और उसे नतीजा निकालना, ये रियाजी में आदाद शुमारियात कहलाता है या शुमारियात कहलाता है। और जो भी मालूमात इकट्ठा की जाती हैं उन्हें हम खाम मालूमात या काम मुशाहिदात कहते हैं। मिसाल के तौर पे इस जदूल में, इस टेबल में 10th जमात के तुलबा का, जो उन्होंने तुलबा से हासिल करदा मार्क्स, रियाजी में हासिल करदा मार्क्स यानी 10th जमात के 30 तुलबा की लिस्ट यहां पे दी गई है कि उन्होंने रियाजी में 100 में से कितने नंबरात हासिल किए हैं। जैसे पहले कॉलम में हासिल करदा नंबरात दिए गए हैं और दूसरी कॉलम में तलबा की तादाद दी गई जो उन्होंने इन मार्क्स को हासिल किए हैं। जैसे 10 नंबर हासिल करने वाले तलबा की तादाद एक है और 20 नंबर हासिल करने वाले एक और 36 नंबर हासिल करने वाले 3 तलबा हैं, 40 नंबर हासिल करने वाले 4 तलबा हैं, 50 नंबर हासिल करने वाले 3 तलबा हैं, 56 नंबर हासिल करने वाले 2 तलबा हैं, 60 नंबर हासिल करने वाले 4, है ना, 70 नंबर हासिल करने वाले 4, 72 नंबर हासिल करने वाले 1, 80 नंबर हासिल करने वाले 1, 88 नंबर हासिल करने वाले 2 और 92 नंबर हासिल करने वाले 3 तलबा और 95 नंबर हासिल करने वाले 1 तलबे। तो यहां पे जुमला 30 तलबा कि मालूमात दी गई है कि उन्होंने कितने नंबरात रियाजी में हासिल किए हैं। तो ये जो मालूमात इकट्ठा की गई हैं, इस मालूमात को हम कहते हैं खाम मालूमात या खाम मुशाहिदात। अब देखिए,
अगर यही मालूमात या मुशाहदात बहुत ज्यादा होते हैं तो इनसे नतीजा निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हम जो भी मालूमात इकट्ठा की जाती हैं उन्हें हम मुख्तसरन शक्ल में और एक जदूल की शक्ल में पेश करते हैं। तो जो भी मालूमात जो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया मिसाल में हुकूमत की तरफ से जो सर्वे किए जाते हैं, जैसे किसी घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कहां तक वो लोग पढ़े लिखे हैं, या अगर वो कमाते हैं कितना कमाते हैं, तो अगर ये एक डिस्ट्रिक्ट का या एक स्टेट की मालूमात को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो ये मालूमात बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे मालूमात से नतीजा निकालना मुश्किल होता है। तो इसी मालूमात को हम मुख्तसरन शक्ल में, एक जदूल की शक्ल में हम पेश करते हैं। और इस तरह मालूमात को मुख्तसरन और जदूल की शक्ल में पेश करना ये कहलाता है मुरत्तब आदादो शुमार। और जो जदूल होता है इसको तादुदी जदूल या फ्रीक्वेंसी टेबल कहा जाता है, या इसे हम बटाओ भी कहते हैं। तो वही मालूमात जो आप पिछली स्लाइड में आपने देखा है ना, इन्हीं मालूमात को हमने मुख्तसरन एक जदूल की शक्ल में फिर से उसी मालूमात को हमने लिखा है। तो यहां पे देखिए 10 से 25 नंबर, 25 से कम हासिल करने वाले तुलबा की तादाद 2 है, और 25 से 40 से कम नंबर हासिल करने वाले तुलबा की तादाद 3 है, 40 से 55 के दरमियान 7, और 55 से 70 6, और 70 से 85 नंबर हासिल करने वाले तुलबा की तादाद 6, और 85 से 100 के दरमियान नंबर हासिल करने वाले तुलबा की तादाद 6 है। यानी जो मालूमात यहां पे अलग अलग करके दी गई थी, इन्हीं मालूमात को हमने मुख्तसरन एक छोटी शक्ल में लिखा। तो ये जो मालूमात मुख्तसरन एक जदूल की शक्ल में पेश की गई है ये मुरत्तब आदाद व शुमार कहलाते हैं। और ये जो जदूल है इस जदूल को हम तादुदी जदूल या बटाओ कहते हैं। तो इस जदूल में जो हमने मार्क्स लिखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 है ना, इस तरह से जो मार्क्स को हमने लिखा, मालूमात को लिखा है, ये कहलाते हैं क्लास वक्फा। यानी 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 है ना, जो मुशाहदात को या मालूमात को हमने इस तरह लिखा है, इस तरह से मालूमात को लिखना ये कहलाता है क्लास वक्फा। इंग्लिश में हम इसको क्लास इंटरवल कहते हैं। और जो तलबा की तादाद दी गई है इसे हम तादुद कहते हैं। तलबा की जो तादाद दी गई है इसे हम तादुद कहते हैं। तो इस जदूल में जहां पे हमने मालूमात को मुख्तसरन शक्ल में लिखा है, जैसे 10 से 25 मार्क्स, 25 से 40 मार्क्स, 40 से 55 मार्क्स, तो मालूमात को इस तरह मुख्तसर शक्ल में जो पेश किया जाता है इसे हम कहते हैं क्लास वक्फा या क्लास इंटरवल कहते हैं। तो यहां पे 10 से 25 एक क्लास का वक्फा है, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, ये तमाम मालूमात जो मुख्तसरन शक्ल में लिखी गई है इसे हम क्लास वक्फा कहते हैं। और जो तलबा की तादाद नीचे दी गई है इसे हम तादुद कहते हैं, या अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो उसी तरह ऊपर दी गई मिसाल में जो क्लास वक्फा है, जो मुख्तलिफ क्लास वक्फे यहां पे दिए गए हैं, इसमें जो पहला नंबर है, जो पहला अदद है, ये कहलाता है ज़ेरी हद, या अंग्रेजी में हम इसे लोअर लिमिट कहते हैं। और इस क्लास वक्फे का जो दूसरा अदद है इसे हम बालाई हद कहते हैं। तो मसलन अगर 10 से 25 क्लास वक्फे की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे 10 जो पहला अदद है ये ज़ेरी हद कहलाता है, और 25 जो दूसरा अदद है ये बालाई हद या ऊपर वाली हद कहलाता है। अच्छा, तीसरा जो टर्म होता है इस्लाह है यहां पे क्लास मार्क। यानी किसी भी क्लास वक्फे का जो वस्ती नुक्ता होता है उसे हम क्लास मार्क कहते हैं। क्लास वक्फे का जो दरमियानी नुक्ता होता है, वस्ती नुक्ता होता है, इसे हम क्लास मार्क कहते हैं। तो किसी क्लास का वस्ती नुक्ता या जिसे हम क्लास मार्क कहते हैं इसको हम बालाई हद और ज़ेरी हद की औसत निकालकर मालूम कर सकते हैं। यानी किसी भी क्लास वक्फे का अगर हम क्लास मार्क निकालना चाहते हैं तो ये कैसे निकालेंगे, यहां पे हम उस क्लास वक्फे की बालाई हद और उसकी ज़ेरी हद
दोनों का मजमुआ लेंगे, दोनों को जमा करेंगे और दो से हम तकसीम करेंगे, तो जो भी कीमत हमें हासिल होगी वो उस क्लास वक्फे का क्लास मार्क कहलाएगा। जैसे पिछली स्लाइड में मान लीजिए हमें 10 से 25 वाला जो क्लास वक्फा है इसका क्लास मार्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 10 में 25 को जमा करेंगे, तो 10 में अगर हम 25 को जमा करते हैं हमें 35 आता है, और 35 को फिर हम 2 से तकसीम करेंगे तो 17.5 होता है, तो 17.5 ये उस क्लास वक्फे का क्लास मार्क कहलाएगा। तो ये जाब्ता है, इसको आप याद रखें, किसी भी क्लास वक्फे का वस्ती नुक्ता क्लास मार्क कहलाता है। और क्लास मार्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मालूम करेंगे, तो हमें उस क्लास वक्फे की ज़ेरी हद और बालाई हद को जमा करना है और फिर उसे दो से हम तकसीम करना है। और क्लास मार्क जो होता है उसको हम आम तौर पे एक्स आई से जाहिर करते हैं, जहां पे आई 1, 2, 3 या कोई भी फितरी नंबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या होता है, किसी भी दिए गए क्लास जो वक्फे होते हैं उसका एक साइज होता है। और क्लास साइज हम कैसे निकालते हैं, क्लास साइज मालूम करने के लिए हमें उसकी उस क्लास की बालाई हद से ज़ेरी हद को तफरीक करते हैं, निकालते हैं, माइनस करते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे यानी इस दी गई मिसाल में अगर हम क्लास साइज मालूम करना चाहते हैं तो कैसे मालूम कर सकते हैं, इसका जाब्ता है बालाई हद से हमें क्या करना होता है, ज़ेरी हद को तफरीक करना होता है। तो मिसाल के तौर पे अगर हम किसी भी क्लास वक्फे को ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम पहले क्लास वक्फे को ले लेंगे ना, बालाई हद इसकी कितनी है 25 और ज़ेरी हद इसकी 10 है, तो 25 में से अगर हम 10 तफरीक करते हैं तो हमें हासिल होता है 15। तो ये 15 इस दिए गए बटाओ को या जो जदूल दिया गया ये इसका क्लास साइज कहलाता है। तो और एक बात याद रखें, क्लास साइज ये सभी क्लास वक्फों के लिए यकसां होता है, यानी क्लास साइज आप किसी भी क्लास वक्फे के बालाई हद मनफी ज़ेरी हद करते हैं तो सभी के लिए हमेशा क्लास का साइज यकसां होता है, एक ही होता है। तो इसके लिए क्लास साइज मालूम करने के लिए आप किसी भी क्लास वक्फे के बालाई हद से उसके ज़ेरी हद को तफरीक कर लें तो आपको दिए गए जदूल के लिए क्लास साइज मालूम हो जाएगा। चलिए मरकजी रुझान की पैमाइश। तो हम आमतौर पर यह देखते हैं कि जो भी आदाद व शुमार होते हैं, जो भी मालूमात होती हैं, जो भी मुशाहिदा होता है ना, जिसको हम तरतीब देते हैं ना, जिसको हम मालूमात को इकट्ठा करते हैं, ये तमाम मालूमात जिसे हम आदाद व शुमार कहेंगे या मुशाहिदात कहेंगे, ये तमाम मालूमात एक वस्ती कीमत या एक वस्ती खदर के इर्द गिर्द मरकूज होती हुई हमें नजर आती हैं। जितनी भी मालूमात हम इकट्ठा करते हैं या मुशाहिदात जो हम इकट्ठा करते हैं जिन्हें हम आदद व शुमार कहेंगे, तो ये तमाम मालूमात एक ऐसे अदद के आसपास में मरकूज होते हैं या एक अदद के आसपास में इर्द गिर्द मरकूज होते हैं, घूमते हैं, और ऐसा अदद जिसके अतराफ में है ना जो दूसरे आदाद व शुमार होते हैं, मुशाहिदात होते हैं, मालूमात होती हैं, है ना, वो इर्द गिर्द घूमते हैं और वो पूरे मुशाहिदात की नुमाइंदगी करता है, तो ऐसी कीमत को या कदर को हम मरकजी रुझान की पैमाइश कहते हैं या अंग्रेजी में से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो ये मरकजी रुझान की पैमाइश क्या क्या होती है, तो मरकजी रुझान की पैमाइश तीन तरह की होती है। नंबर एक दरमियाना, या हम उसे औसत भी कहते हैं, अंग्रेजी में अरिथमेटिक मीन कहते हैं। दूसरा वस्तानिया, जिसे हम मीडियन भी कहते हैं। और तीसरा होता है मोड। तो ये तीनों मरकजी रुझान की पैमाइश कहलाती हैं। तो इस सबक में हमें सीखना है कि दरमियाना अगर मुशाहिदात दिए गए हैं तो उसका दरमियाना हमें कैसे मालूम करना है, या उसका वस्तानिया हमें कैसे मालूम करना है, या मोड कैसे मालूम करना है, और इन खदरों को या इन मालूमात को दरमियाना, वस्तानिया या मोड ये कैसे पूरे मुशाहिदे को ये कैसे पूरे मुशाहिदे की है ना नुमाइंदगी करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगर हम पहला पैमाइश की बात करते हैं तो वो है दरमियाना या औसत, जिसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो अगर मालूमात दी गई हैं
मुशाहदात दिए गए हैं तो हम कैसे दरमियाना, उसका दरमियाना या औसत मालूम करते हैं। तो देखिए, ये तमाम मुशाहदात के हासिले जमा को मुशाहदात की तेदाद से तकसीम करने पर हासिल होता है। जितने भी मालूमात हमने इकट्ठा की या जितने मुशाहदात हमने इकट्ठा किए, अगर हम उन सभी को जमा करते हैं, उन सभी का अगर मजमुआ लेते हैं और जितने मुशाहदात को हमने जमा किया या उनका मजमुआ हासिल किया उसको उन्हीं के नंबर से अगर हम तकसीम करते हैं तो जो हमें कीमत आती है वो दरमियाना या औसत कहलाती है। तो दरमियाना को कई तरीकों से मालूम किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपके जो सिलेबस है, निसाब है, उसमें तीन तरीके दिए गए हैं जिससे हम दरमियाना मालूम कर सकते हैं। तो उसमें पहला तरीका है रास्त तरीका, जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरा है फर्ज किए गए दरमियाना का तरीका, जिसे अज्यूम्ड मीन मेथड हम कहेंगे। और तीसरा हरकत इनहराफ तरीका, या इसे स्टेप डिविएशन मेथड हम कहेंगे। तो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे दरमियाना को हम, है ना, इन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए दिए गए मुशाहदात के लिए मालूम कर सकते हैं। तो चलिए, पहला तरीका है रास्त तरीका या डायरेक्ट तरीका। तो दिए गए मुशाहदात से दरमियाना रास्त तौर पर मालूम किया जाता है। जो भी मालूमात दी गई होती हैं, इकट्ठा की गई होती हैं, उनसे हम रास्त तौर पर, डायरेक्ट तौर पर उसका दरमियाना हम निकालते हैं और इस तरीके को हम रास्त तरीका कहते हैं। तो गैर मुरत्तब आदद और शुमार का दरमियाना मालूम करने का जाब्ता क्या होता है, ठीक है। दरमियाना का जाब्ता होता है और दरमियाना को हम एक्स बार से जाहिर करते हैं। तो एक्स बार यहां पे हमें रास्त जो दरमियाना होता है ना, दरमियाना को हम किससे जाहिर करते हैं, एक्स बार से जाहिर करते हैं। तो मान लीजिए जो मुशाहदात दिए गए हैं वो हैं एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, और ऐसे कितने मुशाहदात हैं, एन नंबर हैं। एन 10 भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। तो हम मुशाहदात को यहाँ पे कैसे जाहिर कर रहे हैं, पहले मुशाहदे को हम एक्स वन बोलेंगे, दूसरे को एक्स टू, तीसरे को एक्स थ्री, ऐसे कितने मुशाहदात हैं, एन नंबर मुशाहदात हैं यहाँ पे। तो रास्त तरीके में हम क्या करते हैं, जो भी मुशाहदात हमें मालूम हैं उन्हें हम जमा करते हैं और जितने मुशाहदात को हम जमा कर रहे हैं उसी अदद से हम तकसीम करते हैं। तो ये जो कीमत हमको हासिल होती है ये उन मुशाहदात का दरमियाना कहलाता है, ठीक है। और इसी को हम सिग्मा अलामत इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सिग्मा अलामत दिए गए आदाद के मजमुए को जाहिर करता है, यानी उनको जमा करने पे उनके मजमुए को जाहिर करता है। तो यहाँ पे x1 जमा x2 है ना, हमने n मुशाहदात को जमा किया है तो इनके मजमुए को जाहिर करने के लिए, है ना, मुख्तसरन हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स आई बटे एन, यहाँ पे एक्स आई है और आई की कीमत एक से लेकर एन तक है, तो आई की कीमत एक से एन तक होती है। अगर आई की कीमत आप एक लिखेंगे तो एक्स एक आता है, अगर आई की कीमत आप दो भर्ती करेंगे तो एक्स टू आता है, ठीक है। तो किसी भी मजमुए को हम शॉर्ट तरीके में, है ना, मुख्तसरन सिग्मा की अलामत से जाहिर करते हैं। सिग्मा दिए गए आदाद के मजमुए को जाहिर करता है, ठीक है। तो दरमियाना का फॉर्मूला क्या हो गया, जो भी मालूमात दी गई हैं उनका मजमुआ और कितने मुशाहदात को हम जमा कर रहे हैं उसी नंबर से अगर हम तकसीम करते हैं तो हमें उन मुशाहदात का दरमियाना हासिल होता है। और ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं गैर मुरत्तब आदाद व शुमार के लिए, ठीक है। तो जहां पे एक्स आई, है ना, अभी बताया गया आपको एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन, ये सभी मुशाहदात हैं, है ना, ये तमाम मुशाहदात हैं के मजमुए को जाहिर करता है। तो ये जो सिग्मा अलामत है दिए गए तमाम मुशाहदात के मजमुए को जाहिर करता है, और बटे में जो एन है ना, जाब्ते में जो एन लिखा है, तो यहाँ पे एन मुशाहदात की तेदाद है। तो चलिए, एक आसान सवाल हम करते हैं कि अगर गैर मुरत्तब आदाद व शुमार दिए गए हैं, यानी जो आदाद व शुमार है वो मुरत्तब नहीं है, गैर मुरत्तब तरीके से दिए गए हैं, तो उनका दरमियाना हम रास्त तरीके से कैसे मालूम करेंगे। तो यहाँ पे एक आसान सा सवाल है कि पांच दौड़ने वालों, जिन्हें हम रनर्स कहते हैं, के कद यानी उनके हाइट बिलतरतीब दिए गए हैं 160 सेंटीमीटर, 137 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इनके
जो कद है, हाइट है, उसका दरमियाना यानी दरमियाना कद हमें निकालना है या औसत कद हमें मालूम करना है। चलिए कैसे करेंगे इसको, तो जो भी मालूमात दी गई है ना, जो कद दिए गए हम क्या करेंगे, उन्हें जमा करेंगे और जितने मालूमात को हम जमा कर रहे हैं है ना, उसी से हम उन्हें तकसीम करेंगे। तो देखिए दरमियाना क्या हो गए, दौड़ने वालों के कदों का मजमुआ यानी उनके जितने कद दिए गए उनका मजमुआ लेंगे और बटे में दौड़ने वालों की तादाद से हम तकसीम करेंगे। तो कद कितने हैं, 160 जमा 137 है ना, उसके बाद है 149, उसके बाद है 153 और 161। तमाम कीमतों को हम जमा करेंगे, उनका मजमुआ लेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 मुशाहिदात को हम जमा कर रहे हैं तो 5 से हम तकसीम करेंगे तो हमें कितना हासिल होगा। अगर आप सभी तादाद को जमा करते हैं तो हमें 760 हासिल होगा, उसको 5 से अगर आप तकसीम करते हैं तो आपको हासिल होगा 192 सेंटीमीटर। तो यहां पे ये 152 सेंटीमीटर ये दिए गए खत का औसत कहलाएगा या दरमियाना खत कहलाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगर हम मरतब आदद शुमार का दरमियाना मालूम करते हैं तो उसके लिए जो जाप्ता होता है वो होता है दरमियाना। एक्स बार किसको जाहिर करता है, दरमियाना को। तो एक्स बार यानी दरमियाना मसावी है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अब देखेंगे हम ये जो न्यूमरेटर में शुमार कुनिंदा और जुरूम कुनिंदा में जो अल्फाज दिए गए, टर्म्स दिए गए हैं है ना, उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए सवाल में आपको क्लास का वक्फा दिया गया होगा, मुरत्तब आदद और शुमार में आपको सवाल में क्लास का वक्फा दिया गया होगा ना, क्लास इंटरवल दिया गया होगा और साथ में उसका तादुद दिया गया होगा। तो दो चीजें आपको सवाल में दी गई होंगी, एक जो भी मुशाहिदात है उसको क्लास वक्फे की शक्ल में दिया गया होगा और दूसरा उनका तादुद यानी उनकी तादाद दी गई होगी। ठीक है, तो अब हम इससे जो मुरत्तब आदद शुमार है इसका हम दरमियाना कैसे मालूम करेंगे, तो इसको मालूम करने के लिए हमें और दो कॉलम लिखना होता है, ये तो सवाल में दिया गया है। तो हम अगला एक कॉलम और बढ़ाएंगे और वहां पे हम वस्ती नुक्ता या क्लास मार्क मालूम करेंगे। जो भी क्लास वक्फे यहां पे दिए गए हैं हर एक के लिए हम वस्ती नुक्ता मालूम करेंगे और जो भी कीमत यहां पे हासिल होगी है ना, उसको हम तादुद से जरब देते हुए है ना, ये दो कीमतों को जरब देते हुए हम चौथा कॉलम लिखेंगे। ठीक है, और आइटम सुन लीजिए, दो कॉलम आपको सवाल में दिए गए होंगे, क्लास इंटरवेल या क्लास वक्फा दिया गया होगा और तादुद दिया गया होगा। आपको क्या करना है, आपको और एक कॉलम बनाना है जिसमें जो भी क्लास वक्फा दिया गया है उसका दरमियानी नुक्ता जिसे हम क्लास मार्क भी कहते हैं आपको मालूम करना है और जो भी कीमत यहां पे आती है और उसको तादुद से जरब देते हुए हमको चौथा कॉलम लिखना है और जो भी तादुद होता है आप उसको अगर जमा करते हैं तो वो तादुद का मजमुआ हमें हासिल होता है जिसे हम सिग्मा एफ आई कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया सिग्मा का मतलब होता है मजमुआ यानी जमा करना, तो जितनी भी तादुद यहां पे दिए गए होते हैं आप उन सभी को जमा करेंगे, जो भी कीमत आएगी है ना वो एफ आई का मजमुआ होगा, तादुद का मजमुआ होगा, तो तादुद के मजमुए को हम सिग्मा एफ आई लिखते हैं यानी एफ आई की जितनी भी कीमतें यहां है उनको हमने जमा किया है, तो इसलिए इसको हम कैसे जाहिर करते हैं, सिग्मा एफ आई। ठीक है, और आखिरी कॉलम में जो तादुद और जो वस्ती नुक्ता है उन दोनों को जरब देने पे जो भी कीमतें हमें मिलती हैं उन्हें भी हम क्या करेंगे, जमा करेंगे और जमा करने पे जो कीमत हमें हासिल होती है वो एफ जरब एक्स का मजमुआ होती है और एफ एक्स के मजमुए को हम कैसे जाहिर करेंगे, सिग्मा एफ एक्स। अगर यहां पे आपको आई लिखने में या समझने में कोई तकलीफ होती है तो आप सिर्फ इसे एफ एक्स भी पढ़ सकते। तो जो भी मालूमात यहां पे हमको हासिल होती है सिग्मा एफ आई की कीमत जो हासिल होगी उसको हम यहां भर्ती करेंगे और ये सिग्मा एफ एक्स की जो कीमत हासिल होगी उसे हम यहां पे भर्ती करेंगे और दोनों को है ना हल करते हुए हम दिए गए मुरत्तब आदद शुमार का दरमियाना मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे एफ आई बटाओ का तादुद है एक्स आई है ना, एफ आई ये बटाओ का तादुद है और एक्स आई ये क्लास मार्क है और स्कोर्स की जुमला तेदाद
जो भी स्कोर्स है ना, उसकी जुमला जो तादाद है या तादुद की जो जुमला तादाद है, इसको हम सिग्मा एफ आई की शक्ल में लिखते हैं। तो चलिए एक सवाल हम लेते हैं। तो मंदरजैल बटाव के लिए दरमियाना मालूम कीजिए। तो यहाँ पे एक बटाव दिया गया है, मालूमात दी गई है या तादुदी जदूल दिया गया है, और इन मालूमात का हमें दरमियाना मालूम करना है। कौन से तरीके से? रास तरीके से। ठीक है, ये सवाल में दिया गया क्लास वफा 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ठीक है, और तलबा की तादाद दी गई है यहाँ पे। ठीक है, इसको सही कर लें। तलबा की तादाद 2, 3, 7, 6, 6 और 6 दी गई। तो चलिए अब हम रास तरीके से इसका दरमियाना मालूम करते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया, ये दो मालूमात तो आपको दी गई हैं, क्लास वफा दिया गया है आपको और साथ में तादुद दिया गया है। क्लास वफा 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, और तादुद दिया गया हर एक के लिए 2, 3, 7, 6, 6 और 6। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि जो भी क्लास वफा दिया गया है, आपको और एक कॉलम बनाना है जिसमें हम इन दिए गए क्लास वफों का दरमियानी नुक्ता लिखना है या मालूम करना है। ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे? आपको कुछ देर पहले, है ना, जब हम तारुफ ले रहे थे, बताया कि आके क्लास मार का जाप्ता क्या होता है। हमें क्या करना होता है? जो भी क्लास वफा होता है उसकी निचली हद और बालाई हद दोनों को जमा करके हमको दो से तकसीम करना होता है, और जो भी कीमत आती है वो उस क्लास वफे के लिए क्लास मार्क कहलाती है। तो चलिए जमा करिए, 10 में अगर हम 25 जमा करते हैं तो ये होता है 35, और 35 को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं तो हमें हासिल होता है 17.5। ठीक है, 17.5। फिर उसी तरह 25 और 40 को आप जमा करते हैं, 25 और 40 को जमा करते हैं तो आपको 65 आता है, और 65 को अगर आप 2 से तकसीम करते हैं तो आपको 32.5 आता है। तो हर एक को जमा करते जाइए और 2 से तकसीम करते जाइए, 2 से तकसीम करते जाइए, तो आपको जो भी कीमत हासिल होती है इस कॉलम में लिखिए। या दूसरा आसान तरीका यह भी होता है कि पहले आप सिर्फ पहले क्लास वक्फे के लिए क्लास मार्क निकालिए, 10 और 25 को जमा कीजिए, ये होता है 35, 35 को 2 से अगर हम तकसीम करते हैं तो 17.5 होता है। हर एक को ऐसे ही करते जाना है, ये तरीका होता है। अगर आप और दूसरों को, है ना, ऐसे ही नहीं करना चाहते, इसको और आसान तरीके में या कम टाइम में आप दूसरी कीमतों को लिखना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 है ना, पहला जो क्लास वफा है उसके लिए आपको कितना क्लास मार्क आ गया? 17.5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 17.5 है, तो आप देखेंगे कि 10 में कितने जमा करने पर आपको 17.5 मिलता है। सवाल को अच्छे समझिए, 10 में कितने जमा करने पर आपको 17.5 मिलता है? तो इसका जवाब है 10 में हमको और 7.5 जमा करना है तो हमें 17.5 मिलता है। तो ये 7.5 को सुबी में आप जमा करते जाइए, 25 में 7.5 जमा करेंगे तो 32.5 आ जाएगा, 40 में 7.5 जमा करेंगे 47.5 आ जाएगा, 55 में 7.5 जमा करेंगे 62.5 आ जाएगा, 70 में अगर आप 7.5 जमा करेंगे तो 77.5 आ जाएगा, है ना, 85 में अगर आप 7.5 जमा करेंगे तो आपको 92.5 आएगा। तो एक तरीका यह है कि दोनों कीमतों को जमा करें, 2 से तकसीम करें तो आपको एक क्लास मार्क मिल जाता है। अगर आप वक्त बचाना चाहते हैं तो सिर्फ एक के लिए इसे कैलकुलेट करें, फिर देखें कि निचली हद में क्या जमा करने पर यह कीमत हमको मिल रही है, वही कीमत सुबी में आप निचली हद में जमा करें तो आपको जल्दी से, है ना, क्या बोलते हैं, मालूमात आपको या नंबर या क्लास मार्क आपको हासिल होता है। तो चलिए क्लास मार्क हमने हर एक के लिए हासिल कर लिया है, अब हमें क्या करना है? और एक कॉलम बनाना है जिसमें इन दोनों कीमतों को जरब देकर हमें लिखना है, यानी किस किस को जरब दे रहे हम, एफ और एक्स को। तो एफ को एक्स से जरब दिया तो ये होता है एफ एक्स होता है, तो सभी को जरब दीजिए। 2 को 17.5 से आप जरब देते हैं तो आपको मिलता है 35, 3 को 32.5 से जरब देते हैं तो 97.5 आता है, 7 को अगर 47.5 से जरब देते हैं तो 332.5 आता है, 6 को 62.5 से जरब देते हैं 375.5 आता है, उसी तरह 6 को
77.5 से ज़रब देते हैं 465.0 आता है, और 6 को 92.5 से ज़रब देने पर 555 आता है। तो अभी हमको क्या करना है, जो भी कीमतें हमें यहाँ पे हासिल हुई है इनको जमा करना है। किसको आप जमा कर रहे हैं, एफएक्स कीमतों को जमा कर रहे हैं। तो इसके मजमे को हम सिग्मा एफएक्स लिखेंगे, और जब आप सभी आदात को जमा करेंगे तो आपको 1860 आता है, 1860 आता है। और साथ में आपको तादुद को भी जमा करना है, एफ को आप जमा कर रहे हैं तो इसके मजमुए को आप सिग्मा एफ कहेंगे, और अगर इन सभी आदत को आप जमा करते हैं तो आपको 30 हासिल होगा। अब इन दोनों मालूमात को आप जब्ते में भर्ती करेंगे, दरमियाना का जब्ता आपको बताया गया सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की कीमत कितनी आ गई आपको, सिग्मा एफ एक्स की 1860, और सिग्मा एफ की कीमत कितनी आ गई 30, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। और अगर आप इसको तकसीम करते हैं 3 × 6 = 18 और 3 × 2 = 6, तो यहां पे दी गई मालूमात का दरमियाना कितना हासिल होता है, 62 हासिल होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने सीखा कि मुरत्तब आदद और शुमार का दरमियाना रास तरीके से कैसे मालूम करते हैं। तो अब जो दूसरे तरीके है ना, जो दूसरे तरीके हैं दरमियाना मालूम करने के, इसको हम अपनी अगली क्लास में बहस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अदा कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा कि मरकजी रुझान की पैमाइश 3 तरह की होती है, एक होता है दरमियाना या औसत, दूसरा वस्तानिया, और तीसरा होता है मोड। तो हमने आज की क्लास में दरमियाना गैर मुरत्तब आदद व शुमार के लिए कैसे मालूम करते हैं और मुरत्तब आदद व शुमार के लिए कैसे मालूम करते हैं, इसको हमने आज बहस किया। और दरमियाना या औसत मालूम करने के 3 तरीकों में हमने पहला तरीका जो ना, जो रास तरीका होता है, उस तरीके से हमने दरमियाना को मालूम किया। तो हम अपनी अगली क्लास में इसको जारी रखेंगे और हम देखेंगे कि अगले जो 2 तरीके हैं दरमियाना या औसत मालूम करने के, वो क्या हैं, और हम उनको इस्तेमाल करते हुए कैसे दरमियाना या औसत मालूम कर सकते हैं, इसको हम अगली क्लास में जारी रखेंगे। जब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और उम्मीद करता हूं जो भी आपने पढ़ा है उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और जब अगली क्लास में बैठेंगे तो एक नए जोश और नए जज्बे के साथ बैठेंगे। शुक्रिया। Hi।